गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट टॉपिक आर्टिकल। हम इस वीडियो में आर्टिकल टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज आर्टिकल? हमारे इंग्लिश में इन इंग्लिश ए एन एंड द आर आर्टिकल्स, यानी कि हमारे इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें हम ए एन एंड द को आर्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल्स की बात आती है तो आर्टिकल्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स और सेकंड होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। सो इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं? जो इनडेफिनेट यानी कि अनिश्चित नाउन के साथ यूज किए जाते हैं, जो सर्टेन नाउन नहीं होते। ओके, तो जो भी हमारे अनिश्चित या अनसर्टेन नाउन नहीं है उनके साथ जब हम आर्टिकल्स यूज करेंगे तो वो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? ए एन एन, ए और एन जो है वो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और इनको हम किसके साथ यूज़ करेंगे? जो हमारे नाउन डेफिनेट नहीं है। और डेफिनेट आर्टिकल्स किसी भी डेफिनेट नाउन के साथ ही यूज़ किए जाते हैं। अब कंडीशन ये आती है कि जो इनडेफिनेट जो हमारा आर्टिकल है ए और जो एन है, ये हमारे यूज़ किए जाते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। नाउन कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर भी होनी चाहिए एंड काउंटेबल, ठीक है। यानी कि कंडीशन क्या हो गई, ए और एन को यूज करने की कंडीशन क्या हो गई कि हमारा जो नाउन वर्ड होगा वो हमारा सिंगुलर फॉर्म में भी होना चाहिए एंड काउंटेबल भी होना चाहिए, ठीक है। एंड द जो होता है वो स्पेसिफिक चीज के लिए यूज किया जाता है। नाउ अब हम आते हैं यूजेस के बारे में कि आर्टिकल जो होता है इसके यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। इसका यूज हम कैसे कैसे करते हैं? सो फर्स्ट हमारा जो एन वर्ड है, ठीक है, आर्टिकल्स हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल में जो हमारा एन है ये हम यूज करते हैं विद वॉवल। अब वॉवल्स क्या होते हैं हमारे? ए ई आई ओ यू, एन यूजेस विद वॉवल्स, यानी कि एन को हम यूज करते हैं वॉवल्स के द्वारा, वॉवल्स के साथ। इट मीन्स जो हिंदी में जिसे आप बोलते हैं स्वर, ए ई आई ओ यू। अब ए ई आई ओ यू ये हमारे इंग्लिश वर्ड है जिनकी साउंड आपको ए आ ओ एम ई एसेट्रा। सेकेंड ए जो यूज होता है, ए यूजेस विद कॉन्सोनेंट, ए को हम यूज करते हैं कॉन्सोनेंट लेटर के साथ, ठीक है। इंग्लिश 26 अल्फाबेट होते हैं जिनमें कि 5 हमारे क्या हो जाते हैं? वॉल्स। एंड लेफ्ट 21 ये हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे डॉग है, ठीक है। अब डॉग की जो स्टार्टिंग है, जो नाउन वर्ड है डॉग हमारा जो स्टार्ट हो रहा है ये हमारा किसके साथ स्टार्ट हो रहा है? डी से, कॉन्सोनेंट लेटर से। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया? ए। नेक्स्ट विमेन, तो विमेन जो वर्ड है हमारा यहाँ पर ये डब्ल्यू है, कॉन्सोनेंट लेटर है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? ए। नेक्स्ट एलिफेंट, अब यहाँ पर जो हमारा लेटर है स्टार्टिंग लेटर जो वर्ड है इसकी स्टार्टिंग किस लेटर से हुई है? ई। इट मीन्स जो ई है हमारा वॉल्स है, तो यहाँ पर हमने यूज किया एन। अब आते हैं हम यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पर यू तो हमारा वॉल्स है तो हमने यहाँ पर ए यूज क्यों किया है? इसकी कंडीशन अभी आगे पढ़ेंगे। एंड सेम यहाँ पर भी हमारा ऑनेस्ट है, ठीक है, एच वर्ड है, कॉन्सोनेंट लेटर है, सो उस कंडीशन में यहाँ पर ए आना चाहिए लेकिन हमने एन यूज़ किया है। सो अब हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं अबाउट आर्टिकल्स, ठीक है। तो रूल्स हमारे क्या हैं? सबसे पहला है कि अगर आपको यू वर्ड दिया गया है, कोई भी लेटर है आप, कोई भी वर्ड है आपका, अगर आपको कोई वर्ड दिया गया है जिसकी स्टार्टिंग यू से होती है लेकिन उसकी साउंड जो आए वो अगर यू ही आए, स्टार्टिंग यू से है और उसकी साउंड भी आपको यू से ही आए, तो उस कंडीशन में हम उसे वॉवल्स नहीं मानकर कॉन्सोनेंट लेटर समझेंगे और उसकी साउंड के साथ हम यही लगाएंगे यहाँ पर ए। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर अगर यू की साउंड आपको यू ही मिले, ठीक है, यू वाई यू वाला यू मिले, ऊ नहीं हो, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? ए। जैसे हमारा यूरोपियन है, स्टार्टिंग इसकी ई से है, ई हमारा वॉवल साउंड है, ई हमारा वॉवल लेटर है, लेकिन हम यहाँ पर ई की जो साउंड आ रही है वो यू आ रही है, यूरोपियन। तो जब यू आ रही है, यू हमारा कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? ए। अब जैसे यूटेंसिल है तो इसकी साउंड यू आ रही है, तो यू साउंड है तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया? ए। सेम यूनियन, यहाँ भी हमारी जो यू है उसकी साउंड यू ही है, इसलिए हमने यहाँ पे भी क्या लिखा है? ए, ठीक है। यानी कि जब कोई भी लेटर आपका यू से स्टार्ट है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, और उसकी साउंडिंग भी यू ही है तो उस कंडीशन में हम एन की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? ए ही यूज़ करेंगे। नाउ सेकंड रूल्स, वर्ड्स स्टार्ट फ्रॉम एच। अगर किसी वर्ड की स्टार्टिंग एच से होती है बट इन साइलेंट, बट
वो साइलेंट हो वहाँ पर. साइलेंट का मतलब उसकी साउंड नहीं आनी चाहिए उस वर्ड में. तो उसकी कंडीशन क्या है, जैसे हम लेते हैं आवर, जैसे हम बोलते हैं एक घंटा, ठीक है, तो एक घंटे के लिए हम क्या बोलते हैं, एन आवर. अब यहाँ पर हमने एन क्यों लगाया, जबकि जो हमारा स्टार्टिंग, जो नाउन का जो स्टार्टिंग हो रही है वो हमारी कॉन्सोनेंट से हो रही है. लेकिन आप यहाँ पर ये चीज़ समझिए कि जो हमने आर बोला है यहाँ पर एच की साउंड नहीं आ रही है, आ की साउंड आ रही है. तो आ हमारा जो है वो होता है एक वॉल्स, तो इसलिए यहाँ पर हमने लगाया एन. सेम ऑनरेबल मैन, हॉनरेबल नहीं बोल रहे हम इसे, हॉनरेबल नहीं है ये, ऑनरेबल है. तो ओ जो है हमारा ओ की साउंड आ रही है यहाँ पर, तो ओ हमारा क्या होता है, वॉवल्स होता है. तो इसलिए हमने यहाँ पर वॉवल्स के अकॉर्डिंग हमने एन यूज़ किया है. नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट फ्रॉम एच, अगर कोई वर्ड हमारा एच से स्टार्ट हो रहा है एंड इट्स साउंड इज ह, और उसकी साउंड भी हा से ही है, लेकिन अब कंडीशन ये है कि हम हा से तो बोलेंगे लेकिन उसके साथ साथ उसमें कोई ना कोई आपका वॉवल्स की साउंड भी होगी. जैसे हमने बोला एन होटल, तो यहाँ पे जो आप होटल बोलोगे हा की साउंड है, लेकिन हा से ज़्यादा हम यहाँ पर जोर किस पर देंगे, ओ होटल. ठीक है, हमारी जो जो वर्ड पर जो हमने फोर्स दिया वो हा की जगह हमने किसी वॉवल्स वर्ड पर दिया है, होटल. तो ओ की साउंड आ रही है, हा से ज़्यादा ओ की साउंड है यहाँ पर, तो इसलिए हम यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, एन होटल. सेम हिस्टोरिकल नॉवल, तो यहाँ भी हमने हा स्टार्टिंग में लेट साउंड है, लेकिन हा के साथ साथ जोर किस पर दे रहे हैं, ही वर्ड पर, ई वर्ड पर, हिस्टोरिकल. तो ई हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, वॉल्स, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया एन वर्ड. नेक्स्ट बिफोर एब्रीविएशन, एब्रीविएशन मीन्स होती है जो शॉर्ट फॉर्म होती है, तो एब्रीविएशन के साथ भी हम यूज़ करते हैं एन, जैसे एम ए, ठीक है, मास्टर इन आर्ट जो होता है, एन एम ए, एन एल एल बी, तो इनके साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, एन वर्ड. अब आते हैं हम डेफिनेट. तो डेफिनेट हमारे क्या होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स जो किसी भी डेफिनेट नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं. तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि द वर्ड का यूज़ जो है वो हम किस किस के साथ नहीं करेंगे. सो किस किस के साथ यूज नहीं होता है, किसी भी पीपल के नेम के साथ, सिटीज के नेम के साथ. द मथुरा नहीं लिखते ना, जैसे आई लिव इन मथुरा बोलते हैं, आप कभी बोलते हो आई लिव इन द मथुरा. कंट्रीज के साथ आई लिव इन इंडिया बोला जाता है, कभी ये नहीं बोला जाता आई लिव इन द इंडिया. इंडिविजुअल पीक्स, पीक्स मतलब चोटियाँ होती हैं, जैसे जो आप पहाड़ों की चोटियाँ होती हैं. लैंग्वेजेस, जैसे हिंदी इंग्लिश, कभी भी हम ये नहीं बोलते आई कैन स्पीक द इंग्लिश, ये सेंटेंस करेक्ट नहीं होता. आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक मराठी, हम ये लैंग्वेज बोलते हैं. ठीक है, तो लैंग्वेज के साथ भी हम दा का यूज़ नहीं करेंगे. एंड स्ट्रीट मीन्स होता है गलियाँ, तो गलियों के साथ भी हम दा का यूज़ नहीं करते हैं. अब आते हैं यूजेस पर कि आखिर दा का यूज़ किस किस के साथ होता है. तो सबसे पहले हम आते हैं रिवर, कोई भी आपके फेमस रिवर हैं, फॉर एग्जांपल गंगा, यमुना. ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, द गंगा, द यमुना, द कृष्णा रिवर, द कावेरी रिवर. तो ये सब हमारी रिवर्स के नेम जो भी होते हैं इनके साथ हम द यूज़ करते हैं. होली बुक्स, होली मीन्स फेस्टिवल, होली नहीं है, होली का मतलब है पवित्र बुक हैं जो हमारे किसी भी रिलीजन से संबंधित है, धर्म से संबंधित है, जैसे द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल. तो ये सब हमारी क्या है, होली बुक्स हैं. न्यूज़पेपर के साथ भी हम दा का यूज़ करते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया. तो ये हमारे न्यूज़पेपर के साथ भी दा का यूज़ किया जाता है. ट्रेन्स, कोई भी ट्रेन्स का नेम होते हैं तो वो उनके साथ भी हम यूज़ करते हैं दा वर्ड, ताज एक्सप्रेस. नेक्स्ट डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, जैसे द थार डेजर्ट, ये सब है, द सहारा डेजर्ट. तो ये सब इनके साथ भी, डेजर्ट के नेम के साथ भी हम दा यूज़ करते हैं. नेक्स्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड, आइलैंड के ग्रुप, जैसे कि आपका द अंडमान आइलैंड, द अंडमान आइलैंड है, द लक्षद्वीप आइलैंड है. नेक्स्ट है फेमस बिल्डिंग, कोई भी फेमस बिल्डिंग है तो इनके साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं द वर्ड, जैसे द ताजमहल. ठीक है, नेक्स्ट ओशियन, जो भी हमारे ओशियन है, महासागर है, उनके साथ भी हम दा का यूज़ करते हैं, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन. ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, थैंक यू.